नहीं मानती है पूरा उनका चरण में लेट जाते इसलिए जहाँ पर राधा रानी का मान किसी तरह से मान को नहीं मना पाए इसलिए गांव का नाम हो गया और दी स्थान का नाम गांठोली। कभी गांठोली नाम क्यों पड़ा बोले एक समय सब सखियां और कृष्ण श्याम सुंदर बैठे हुए थे। इतने में सखियों ने क्या कि पीछे से ललिता की जो चुनरी थी ना और कृष्ण का जो चदर था वहां चदर को दोनों को अच्छे तरह से गांठ लगा दिए। गांठल मतलब गांठ लगा दिए। गांठ लगा करके ना इतने में गोपियों ने वहां शादी की गान गाना शुरू कर दिए और ललिता का तरफ में कृष्ण को तरफ में हंस रहे थे। इतने में ललिता बोली भैया क्या चक्कर है ये मेरे को देखकर क्यों हंस रहे हैं। इतने में ललिता जब खड़ी होकर जाने लगी ना लेकिन कपड़ा कहाँ बांधा हुआ है कृष्ण की चादर में राधा रानी की है ललिता की चुनरी नहीं बांधा हुआ तो वहां से वो जा नहीं भाई इसलिए काट बांधी दी थी इसलिए नाम हो गया गंठोली। हम जब आ रहे थे एक रास्ता में लिखा हुआ था जिसका नाम बहेज। बहेज मतलब जब कृष्ण गोचारण करते समय जिस समय ब्रह्मा ने कृष्ण का बछड़े और उनने सखाओं को चुराया जब ब्रह्मा जी को ये बात पता चला कृष्ण कौन है ये परम ब्रह्म परात पर तत्व ये कृष्ण है हैं ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विक्रम अनादि राधि गोविंद सर्व कारण कारणम। जब इनको ये बात पता चला इतने में ब्रह्मा जी बड़े दुखी हो गए बोले हम तो बड़ी गड़बड़ कर दिया हम तो सोच रहे थे कोई ग्वाल वाल है लेकिन ये तो मेरे बाप का ये बाप है। फिर तो ब्रह्मा जी बेहज बेहज मतलब होता है बेहया है बेहया होकर के जहाँ पर माफी मांगे कहते इंद्र भी जहाँ पर हाँ बारी बरसाया। बाद में जब पता चला कृष्ण बेहया बन करके बोले निर्लज्ज होकर के जहाँ पर आकर के कृष्ण के चरण में माफी मांगी। इसलिए यही पर ही कहते श्रीमान चैतन्य महाप्रभु जब आए महाप्रभु की इच्छा हुई थी हमारे सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी इच्छा थी गोपाल जी को दर्शन करना लेकिन उसी समय गोपाल जी गिरिराज गोवर्धन के ऊपर भी रहते थे लेकिन ब्रजवासी तो ऊपर चढ़ जाते हैं लेकिन हम लोग हमारे संप्रदाय में गिरिराज को तो सख्या हरिदास भज्य और ये गिरिराज को क्या मानते हैं ये स्वयं कृष्ण मानते हैं ये गिरिराज गोवर्धन को। इसलिए महाप्रभु ने बोले गिरिराज चढ़िया ना देखी वे गोपाल हाँ प्रजे जाइयो ना रही चिरकाल। हाँ किसको बोले थे जगदानंद पंडित को। जगदानंद पंडित को बोले थे ब्रज में जा रहे हो लेकिन चिरकाल वहां रहना नहीं और गिरिराज गोवर्धन के ऊपर में उठ करके श्री गोपाल जी को दर्शन नहीं करना क्यों हम उसको सख्यात रूप में उसको भगवत स्वरूप मानते हैं लेकिन अभी इच्छा है रूप गोस्वामी की सनातन गोस्वामी की महाप्रभु की इच्छा है दर्शन करने का उपलब्ध इसलिए वो कैसे दर्शन करेंगे इसलिए गोपाल जी बहाना बना करके उन्होंने बहाना बना करके श्री गोपाल जी यहीं पर आ गए और यहीं पर जब रहे सब गोस्वामियों ने महाप्रभु आ करके फिर यहीं पर उन्होंने दर्शन किया। इसलिए कहते जिस दिन गुलाल खेलो तो विशेष जो होली होता है ना कहते अभी भी ये जो कुंड में जो पानी एक दिन के लिए अपनी आप लाल अपनी आप गुलाल रंग धारण कर लेता है ये पानी अभी भी साल में एक बार ये पानी गुलाल रंग धारण करता है। इसलिए ये जो स्थली संपूर्ण राधा कृष्ण का लीला में संपूर्ण अभिषिक्त स्थली ये स्थली इसलिए आज हम लोग यहाँ पर आए यहाँ पर प्रणाम करो यहाँ धूल लगाओ और लोट पोट खाओ एक दिन जैसे वो होली लीला एक दिन हमारा हृदय में स्फूर्ति हो हम भी एक दिन होली में प्रवेश कर सके। निताई गौर ब्रह्मानंदे हरी हरी बोल।